हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू समीक्षा इंस्टीट्यूट। मैं हूं शिवानी सेन और आज से हम एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2021 टेस्ट सीरीज का डिस्कशन चालू कर रहे हैं और इसी डिस्कशन पे यह आज का पहला वीडियो है जो हम यूनिट फर्स्ट के लिए डिस्कशन स्टार्ट कर रहे हैं। और इसी के साथ आज का पहला क्वेश्चन है आपका, मध्य प्रदेश की यह गुफाएँ बौद्ध चित्र के प्राण कही जाती हैं। आपके ऑप्शन है ए बाघ की गुफाएँ, बी उदयगिरी की गुफाएं, सी भीमबेटका की गुफाएं या डी भृतहरी की गुफाएं। तो इसका आंसर है बाघ की गुफाएं। बाघ की गुफाएं मध्य प्रदेश के धार जिले में स्थित हैं जो कि नर्मदा की सहायक नदी बाघ नदी के किनारे स्थित है और यह बौद्ध धर्म को समर्पित हैं। तो इसका आंसर होगा बाघ की गुफाएं, जिन्हें बौद्ध चित्र के प्राण कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुमेलित कीजिए, जहाँ पर एक तरफ है हीरा, मांडू, चित्रकूट, गुजरी महल और दूसरी तरफ ग्वालियर, धार, सतना और पन्ना जो कि मध्य प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट हैं। हमें बताना है कि कौन सी चीज़ें कहाँ पर हैं। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, हीरा मध्य प्रदेश ही नहीं पूरे भारत में 98% पन्ना से ही प्राप्त होता है। मांडू जो है धार में स्थित है, चित्रकूट एक दार्शनिक स्थल है जो कि सतना में है और गुजरी महल आपका ग्वालियर में है। तो इसका राइट आंसर होगा ए, यानी कि हीरा पन्ना में पाया जाता है, मांडू धार में स्थित है, चित्रकूट सतना में स्थित है और गुजरी महल ग्वालियर में स्थित है। ऑप्शन ए सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्य प्रदेश के निम्न स्थलों व उनके उत्खननकर्ता के संबंध में असत्य कथन को बताना है। तो कायथा का उत्खनन व कड़कर के निर्देशन में किया गया था, एरन स्थल का उत्खनन प्रोफेसर कृष्णदत्त वाजपेयी के निर्देशन में किया गया था और आदमगढ़ का उत्खनन डॉक्टर एच वी त्रिवेदी ने कराया था। ये ऑप्शन डी उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि ऑप्शन सी रॉन्ग आंसर है। ऑप्शन सी रॉन्ग आंसर है ना। आदमगढ़ का उत्खनन कार्य जो है यह आरवी जोशी ने करवाया था और एमडी खरे के द्वारा किया गया था, है ना। आदमगढ़ जो है होशंगाबाद में स्थित है, यह पुरापाषाण काल से संबंधित है। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश के निम्न पुरस्थलों को उनके जिलों से सुमेलित कीजिए। तो यहाँ पर है गिन्नौर गांव, पीतनगर, खलघाट और जटकरा और दूसरी तरफ जिले हैं छतरपुर, धार, खरगोन, सीहोर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, गिन्नौर गांव सीहोर में स्थित है जो कि गुप्तकालीन वास्तुकला से संबंधित है। पीतनगर खरगोन में स्थित है जो कि बौद्धकालीन अवशेषों की प्राप्ति हुई थी यहाँ से और खलघाट धार में स्थित है, यह ताम्रकालीन सभ्यता के अवशेष से संबंधित है और जटकरा जो कि छतरपुर में है, यहाँ पर विशाल मंदिर होने के प्रमाण मिले थे। अगला प्रश्न है निम्न में से असत्य बताइए। तो यहाँ पर चंदेरी का किला गुना, बांधवगढ़ दुर्ग उमरिया, गुजरी महल ग्वालियर और असीरगढ़ किला खरगोन। तो यहाँ पर असत्य कथन है असीरगढ़ किला बुरहानपुर में है जो कि आशा अहिर द्वारा बनवाया गया था। इसके अलावा बाकी सभी किले सही हैं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूची एक और सूची दो को मिलाइए तथा कूट का उपयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। तो यहाँ पर सूची एक में लिखा हुआ है दसपुर, तिगवा, उदयगिरी, ग्वालियर और दूसरी ओर है सास बहु मंदिर, वराह अवतार की प्रतिमा, विष्णु मंदिर और सूर्य मंदिर। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, दशपुर सूर्य मंदिर से संबंधित है, तिगवा विष्णु मंदिर से संबंधित है और उदयगिरी वराह अवतार की प्रतिमा है वहाँ पर और ग्वालियर में स्थित है सास बहु का मंदिर। इसके अकॉर्डिंग अपना आंसर ऑप्शन सी होगा।
तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के इंदौर में क्या क्या है? ऑप्शन है राजवाड़ा, खजराना मंदिर, बड़ा गणपति मंदिर और कांच मंदिर। यहाँ पे कोडिंग दी हुई है कि इनमें से कौन सा आंसर सही है ना, इंदौर में क्या क्या है। तो इंदौर में ये सभी चीज़ें हैं, है ना, राजवाड़ा भी है, खजराना मंदिर भी है, बड़ा गणपति भी है और कांच मंदिर भी है। तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर होगा, है ना। जैसा कि आप सभी जानते हैं इंदौर जो है मध्य प्रदेश की व्यावसायिक राजधानी कही जाती है, इसे मिनी मुंबई के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा जैन तीर्थ स्थल नहीं है? मुक्तागिरी, सोनागिरी, कुंडल वन या सांची। तो आप सभी को पता है सांची किसके लिए प्रसिद्ध है, है ना। सांची बौद्ध तीर्थ स्थल है, यहाँ पर सांची का स्तूप है, है ना, स्तूपों के लिए ये प्रसिद्ध है। तो जैन तीर्थ स्थल नहीं है अगर कोई सा, तो वो है सांची, बाकी सभी जैन तीर्थ स्थल हैं। मुक्तागिरी जो है वो बैतूल में है, सोनागिरी दतिया में है और कुंडल वन दमोह में स्थित है, और सांची जो है वो स्तूपों के लिए प्रसिद्ध है ना, यानी कि बौद्ध तीर्थ स्थल के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न को सुमेलित कीजिए, चित्रकूट, मैहर, ओरछा, ओमकारेश्वर, और दूसरी तरफ है दर्शनीय स्थल मांधाता मंदिर, राम मंदिर, माँ शारदा का मंदिर और पौराणिक स्थल। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि चित्रकूट जो है वह एक पौराणिक स्थल है, मैहर माँ शारदा के लिए प्रसिद्ध है, ओरछा जो है राम मंदिर के लिए प्रसिद्ध है, यहाँ पर राजा राम का प्रसिद्ध मंदिर है जहाँ पर श्री राम की पूजा एक राजा के रूप में होती है, और ओमकारेश्वर जो है मांधाता मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। तो आपका ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश में सांची स्तूप का निर्माण किस शताब्दी में हुआ था? तीसरी शताब्दी में, चौथी शताब्दी में, पांचवी शताब्दी में या इनमें से कोई नहीं। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं सांची स्तूप का निर्माण किसने करवाया था, तो इसका निर्माण करवाया था मौर्य शासक अशोक ने करवाया था, है ना, और जो मौर्य साम्राज्य था वो लगभग तीसरी शताब्दी के समकालीन था। तो इसका आंसर सही होगा तीसरी शताब्दी। सांची स्तूप जो है मध्य प्रदेश के रायसेन में स्थित है, है ना, ऑप्शन ए सही उत्तर है। 1989 में इसे विश्व धरोहर में भी शामिल किया जा चुका है और इसका निर्माण तीसरी शताब्दी में हुआ था, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भीमबेटका प्रसिद्ध है क्यों प्रसिद्ध है भीमबेटका? क्योंकि यहाँ पे बी आर अम्बेडकर का जन्म स्थान है, या यह गुप्तकालीन मंदिर है, या फिर यहाँ पर राष्ट्रीय जीव उद्यान है, या फिर यहाँ पत्थरों पर की गई प्राचीन कलाकृतियाँ हैं। तो आप सभी लोग जानते हैं भीमबेटका प्राचीन शैलकृत के लिए यह जाना जाता है, यहाँ पे बहुत ही प्राचीन शैल चित्र प्राप्त हुए हैं। तो ऑप्शन टी सही होगा, भीमबेटका किस लिए प्रसिद्ध है, क्योंकि यहाँ पत्थरों पर की गई प्राचीन कलाकृतियाँ हैं। 2003 में इसे विश्व धरोहर में शामिल किया गया है और इसकी खोज श्री विष्णुधर वाकड़कर ने की थी। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा युग्म सही है? होसंग शाह का मकबरा भोपाल, नवाब हसन का मकबरा मांडू, गौश मोहम्मद का मकबरा शिवपुरी, या यहाँ पे झलकारी बाई नहीं होगा, यहाँ पे गिरधारी बाई की समाधि मंडला। तो यहाँ पे सही युग्म होगा गिरधारी बाई की समाधि मंडला। गिरधारी बाई जो थी वो गढ़मंडला की शासिका अवंती बाई की सहेली थी, है ना। इसके अलावा बाकी सारे युग्म गलत हैं, क्योंकि होसंग शाह का मकबरा मांडू में है, जो कि भारत की पहली संगमरमर से बनी हुई इमारत है, और नवाब हसन का मकबरा
भोपाल में है, गौश मोहम्मद का मकबरा ग्वालियर में है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी सही होगा। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैगा जनजाति का संबंध, बैगा जनजाति के संबंध में कौन सा एक असत्य है? तो ए, बैगा एक आदिम संस्कृति जनजाति है, बैगा गुदना प्रिय है, सी, बैगा शिकार बैगाओं का प्रिय शौक है, या बैगा जनजाति में ओझा को हेय दृष्टि से देखा जाता था। तो यहाँ पे असत्य कथन होगा डी, बैगा जनजाति में ओझा को हेय दृष्टि से देखा जाता था, है ना। ओझा वो होते थे जो तांत्रिक विद्या ये सब करते थे, तो यहाँ पे ये असत्य कथन होगा। बैगा जनजाति जो है भारत सरकार द्वारा घोषित तीन बड़ी पिछड़ी जातियों में से एक है बैगा जनजाति, और जो कि वेरियर एल्बिन है उन्होंने द बैगा नामक पुस्तक भी लिखी है ना। नेक्स्ट है, निम्न को सुमेलित कीजिए, खैरवार, कोल, पनिका, बैगा, और दूसरी तरफ है कबीरपंथी, सुअर पूजन, कथा बनाने का कार और चौधरी। तो यहाँ पे खैरवार जो हैं वो कथा बनाने का कार्य करते थे, और कोल जो हैं चौधरी कहलाते हैं, है ना, और पनिका जो हैं कबीरपंथी थे, कबीर जी की गाथा गाते थे, और बैगा जो थे वो सुअर पूजन करते थे। तो यहाँ पे उसके हिसाब से ऑप्शन सी सही होगा। खैरवार जो है मुंडा जनजाति के एक उपजाति है, है ना, और जो कोल है ये मध्य प्रदेश की तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है, और पनिका जनजाति सीधी सहडोल यहाँ पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बूढ़ा देव मध्य प्रदेश के कौन सी जनजाति के प्रमुख देवता हैं? तो ये हैं बैगा के, है ना, बूढ़ा देव जो हैं बैगा जनजाति के प्रमुख देवता हैं, जो कि साज नामक वृक्ष पे निवास करते हैं, इनके लिए पूजनीय हैं। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश के किस जिले में जनजातियों का प्रतिशत सबसे अधिक है? मंडला, झाबुआ, देवास, बालाघाट। तो ये है झाबुआ, है ना, झाबुआ में जनजातियों का प्रतिशत सबसे अधिक है। और नेक्स्ट है, गोंड जनजाति का सामाजिक सांस्कृतिक अध्ययन निम्न में से किसने किया? तो ये किया है श्यामा चरण दुबे ने। श्यामा चरण दुबे जो हैं एक प्रसिद्ध मानव शास्त्री हैं, इन्होंने जनजातियों के ऊपर विस्तृत अध्ययन किया है, है ना। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश के किस जिले में संस्कृत भाषा का प्रयोग किया जाता है? तो ये है नरसिंहपुर, जबलपुर के समीप स्थित नरसिंहपुर, यहाँ पे संस्कृत भाषा का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के निम्न में से किस कवि या साहित्यकार के युग्म में गलत है, है ना, गलत छाटना है यहाँ पे। तो चांद का मुंह टेढ़ा, गजानन माधव मुक्तिबोध, प्राणार्पण, बालकृष्ण शर्मा नमीन, या हंसते हैं रोते हैं शरद जोशी, समर्पण, माखनलाल चतुर्वेदी। तो यहाँ पे गलत जो है वो है हंसते हैं रोते हैं, है ना, हंसते हैं रोते हैं, ये है हरिशंकर परसाई की, है ना, हरिशंकर परसाई जी जो हैं ये प्रसिद्ध लेखक व व्यंग्यकार हैं, इनकी इनकी रचना है ये हंसते हैं रोते हैं। और हरिशंकर परसाई जी जो थे इन्हें साहित्य अकेडमी पुरस्कार भी दिया गया है, है ना, विकलांग श्रद्धा का दौर नामक रचना के लिए इन्हें साहित्य अकेडमी पुरस्कार प्रदान किया गया है। नेक्स्ट है, कुमार गंधर्व का वास्तविक नाम क्या था? शिवा, भूषण, शिवपुत्र या गणेश? तो इनका वास्तविक नाम था शिवपुत्र, है ना, शिवपुत्र सिद्ध रमैया कोमकली इनका वास्तविक नाम था।
इनका जन्म हुआ था कर्नाटक में, है ना, लेकिन इन्होंने अपनी कर्मस्थली बनाया था देवास को, तो और इनका वास्तविक नाम क्या था, शिवपुत्र सिद्धरमैया कोमकली। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश साहित्य परिषद की स्थापना कब हुई, तो ये हुई थी 1954 में हुई थी, है ना, इसका मुख्यालय भोपाल में है। उसके अलावा असत्य कथन को चुनिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, है ना, बाणभट्ट की रचना कादंबरी है, कालिदास की रचना मेघदूत है, भवभूति की रचना रसिक प्रिया है, और बृहद्हरि की रचना नीति शतक है। तो यहाँ पे हमें असत्य कथन चुनना है, तो असत्य कथन होगा सी, क्योंकि रसिक प्रिया केशवदास जी की है, है ना, भवभूति की नहीं है, और है ना, जो भवभूति हैं इन्हें प्राचीन भारत का मिल्टन कहा जाता है, और जो केशवदास है उन्हें कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है, तो यहाँ पे ऑप्शन सी गलत होगा। उसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में बाघ प्रिंट निम्न में से किससे संबंधित है, कंप्यूटर मुद्रण, आभूषणों की डिज़ाइन का मुद्रण, ऑफसेट मुद्रण, या कपड़ा मुद्रण। तो आप सभी जानते हैं कि बाघ प्रिंट कपड़ा मुद्रण है ना, मुद्रण है, है ना। बाघ प्रिंट जो है प्राकृतिक रंगों के साथ एक पारंपरिक हाथ ब्लॉक प्रिंट है, है ना, जिसका अभ्यास मध्य प्रदेश में होता है। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश में, नेक्स्ट है पूर्व प्रधानमंत्री एवं हिंदी के प्रसिद्ध कवि अटल बिहारी वाजपेयी जी को भारत रत्न से किस वर्ष सम्मानित किया गया था, तो इन्हें 2014 में सम्मानित किया गया था, है ना, भारत रत्न से। इसके अलावा इन्हें 1992 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था, और इनके जन्म दिवस को राष्ट्रीय सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश के मेले और उनके स्थान में गलत युग्म को छाटिए, कान्हा बाबा का मेला सोडलपुर, धामोनी उर्स का मेला सागर, मठ घोघरा का मेला शिवनी, मंधाता का मेला पचमढ़ी। तो यहाँ पे गलत युग्म है ऑप्शन डी, है ना, मंधाता का मेला जो है वो खंडवा में लगता है और पचमढ़ी में शिवरात्रि का मेला लगता है, ठीक है। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश इको पर्यटन विकास बोर्ड का गठन कब किया गया, तो ये कब किया गया, 22 जनवरी 1978, 12 जुलाई 2005, 22 फरवरी 2005, या 22 जुलाई 2017, तो ये किया गया था 12 जुलाई 2005, है ना, मध्य प्रदेश में पर्यटन का विकास करने व उसका प्रबंधन करने के लिए विकास बोर्ड का गठन किया गया था, जबकि पर्यटन निगम की स्थापना 1978 में की गई थी। नेक्स्ट है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय भोपाल की स्थापना कब की गई, तो ये की गई थी 21 मार्च 1977 को की गई थी, है ना, यह भोपाल में है और भारत का सबसे बड़ा संग्रहालय है। यहाँ पे जनजातियों से संबंधित उनकी कलाकृतियाँ, उनकी झोपड़ियाँ, है ना, उनसे संबंधित सभी चीज़ों को संग्रहित करके रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, कोड का उपयोग करके बताना है। यहाँ पे एक तरफ मंदिर है और एक तरफ स्थान है, है ना, तो पंचमुखी महादेव मंदिर निवाणी, सोमेश्वर मंदिर रीवा, लक्ष्मी नारायण मंदिर मंदसौर, और 64 योगिनी मंदिर जबलपुर। तो यहाँ पे ऑप्शन डी होगा, है ना, ऑप्शन डी ए बी और सी, 64 योगिनी का मंदिर जबलपुर में ही है, बाकी सभी सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट है दोस्त मोहम्मद खान द्वारा निर्मित एशिया की सबसे छोटी मस्जिद ढाई सीढ़ी किस जिले में स्थित है,
तो ये भोपाल में स्थित है ना। नेक्स्ट है भारतीय परमाणु भौतिक वैज्ञानिक अनिल काकोदकर मध्य प्रदेश के किस जिले से संबंधित हैं, तो इनका संबंध है बड़वानी, है ना। ये जो हैं परमाणु भौतिक वैज्ञानिक, इन्होंने परमाणु अनुसंधान में अपना बहुत ज़्यादा योगदान दिया और इन्हें पद्म विभूषण, पद्मश्री व पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुमेलित करना है ना। एक तरफ सारी चित्रकलाएं हैं और दूसरी तरफ उनसे संबंधित क्षेत्र हैं। तो यहाँ पे एक तरफ है मांडना, कोहबर, मोरते, सबनाही और दूसरी ओर है बुंदेलखंड, बघेलखंड, निमाड़ और मालवा, है ना। कौन किससे संबंधित है, तो जो मांडना है यह दीपावली के अवसर पर निमाड़ क्षेत्र में बनाया जाता है, है ना। तो मांडना जो है ये निमाड़ में बनाया जाता है। कोहबर विवाह के अवसरों पर बनाया जाता है ना। बुंदेलखंड, बघेलखंड लगभग दोनों जगह है पर यहाँ पे बघेलखंड में स्पेशली इसको मनाया जाता है। और मोरते जो है यह भी विवाह के अवसर पर बनाया जाता है जो कि बुंदेलखंड में मनाया जाता है। और सबनाही जो है ये मालवा में मनाया जाता है। ये हरितालिका तीज के अवसर पर गोबर से बनाया जाता है, है ना। तो यहाँ पे ऑप्शन सी सही होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है सुमेलित करना है यहाँ पे भी, है ना। एक तरफ सारे प्राचीन स्थल हैं और दूसरी तरफ उससे संबंधित बातें दी गई हैं। यहाँ पे नवदा टोली है, एरन है, त्रिपुरी और गुर्जरा। तो नवदा टोली जो है वह ताम्रपाषाणीन, है ना, ताम्रपाषाणीय संस्कृति से संबंधित है। और एरन जो है, एरन पे सती प्रथा के साक्ष्य प्राप्त हुए थे। और त्रिपुरी जो है यहाँ पे ये सतवाहनों के और क्षत्रियों के सिक्कों से संबंधित है। और जो गुर्जरा है ये अशोक के अभिलेख से संबंधित है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए सही होगा, है ना। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है इंदौर का सराफा कांड कब हुआ था, तो ये हुआ था सितंबर 1942 में, है ना। इंदौर का सराफा कांड हुआ था जो सितंबर 1942 में हुआ था। यहाँ पे लाठीचार्ज किया गया था पुलिस द्वारा और इसमें मगनलाल ओसवाल को गोली लगी थी। उसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है। रीवा मध्य प्रदेश की राजधानी थी, ग्वालियर मध्य प्रदेश की राजधानी थी, जबलपुर महाकौशल की राजधानी थी और भोपाल भोपाल राज्य की राजधानी थी, है ना। तो यहाँ पे ये 1956 के पहले के कथन है जब मध्य प्रदेश का गठन नहीं हुआ था। तो इसमें से जो है ऑप्शन बी सही नहीं है क्योंकि जो ग्वालियर था और इंदौर था वो मध्य भारत की राजधानी थी, है ना, मध्य भारत की राजधानी थी। बाकी सभी ऑप्शन सही हैं। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश के राजा और उनके वंश से संबंधित कौन सा जोड़ा गलत है, तो यहाँ पे ऑप्शन डी गलत होगा क्योंकि राजा धंग जो थे ये परमार वंश से नहीं बल्कि चंदेल वंश से संबंधित थे, है ना। और ये जो थे यशोवर्मन के उत्तराधिकारी थे, है ना। और इन्होंने खजुराहो में जो है पार्श्वनाथ और विश्वनाथ मंदिर का निर्माण करवाया था। उसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है होलकर राजवंश के विषय में सही कथन चुनना है ना। तो इनकी राजधानी ग्वालियर थी, ये माधवराव होलकर द्वारा बनाई गई थी और 1947 में तुकोजी राव ने अलग देश की मांग की थी। तो यहाँ पे हमारा जो सही विषय होगा वो है ऑप्शन डी। यहाँ पे एक नहीं होगा, यहाँ पे दो और तीन बस होगा, है ना, क्योंकि जो राजधानी इनकी ग्वालियर थी ये वाला ऑप्शन गलत है, इनकी राजधानी इंदौर थी। और
तो नेक्स्ट है, हिंगलाज मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? नीमच, मंदसौर, राजगढ़ या टीकमगढ़? तो ये है मंदसौर में स्थित है, है ना? कहाँ पे स्थित है? मंदसौर में स्थित है जो ये हिंगलाजगढ़ है। ये मंदसौर के परमार मूर्तिकला के विशिष्ट केंद्र के रूप में प्रसिद्ध है, है ना? इस क्षेत्र में 500 परमार कलाकृतियाँ थीं, 500 परमार कलाकृतियाँ थीं। नेक्स्ट है, निम्न में से सही चयन करें, है ना? तो सही चयन करना है इसमें से, तुमैन स्तूप गुना जिले में स्थित है, कसरावद स्तूप खंडवा जिले में स्थित है, देवर कोठार स्तूप रीवा में है और पन गुड़रिया सीहोर में स्थित है। तो यहाँ पे सही का चयन जो है दिए गए कोट से करना है, है ना? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन सी सही होगा, ऑप्शन सी सही होगा, है ना? क्योंकि जो कसरावद है वह खंडवा में नहीं है, वो खरगोन में स्थित है, है ना? और ये सभी स्तूप मौर्य काल से संबंधित हैं, ठीक है? नेक्स्ट है, सुमेलित करना है, मंदसौर अभिलेख रायसेन, उदयगिरी शिलालेख कुमारगुप्त, सांची अभिलेख सागर, एरन अभिलेख विदिशा। तो यहाँ पे जो मंदसौर अभिलेख है वो मंदसौर अभिलेख संबंधित है कुमारगुप्त से, और उदयगिरी संबंधित है विदिशा से, और सांची स्तूप जो है वो तो सभी जानते हैं रायसेन में है, और एरण स्तूप जो है वो एरण अभिलेख जो है वो सागर में है ना। एरण से क्या, एरण अभिलेख कहाँ पे है? सागर में स्थित है। तो इसके हिसाब से ऑप्शन ए हमारा सही है। नेक्स्ट है, भोपाल की प्रथम महिला शासिका कुदसिया बेगम ने किस मस्जिद का निर्माण करवाया था? जामा मस्जिद, गौहर महल, मोती मस्जिद, ए और बी दोनों। तो जो कुदसिया बेगम थी ये भोपाल की पहली महिला शासिका थी, है ना? और उन्होंने जामा मस्जिद और गौहर महल दोनों का निर्माण करवाया था, इसलिए ऑप्शन डी हमारा सही होगा। और मोती मस्जिद का निर्माण करवाया था सिकंदर जहाँ बेगम ने, है ना? नेक्स्ट है, तात्या टोपे कथन और कारण वाला है, जहाँ पे कथन है तात्या टोपे महान योद्धा थे, और इसका कारण है क्योंकि तात्या टोपे को छापा मार रणनीति का प्रयोग करना आता था। तो यहाँ पे हमारा सही ऑप्शन होगा बी, है ना? तात्या टोपे महान योद्धा तो थे ही, सभी को पता है ना? और इन्होंने महारानी लक्ष्मीबाई के साथ मिल करके अंग्रेजों को हराया था, और इन्हें छापा मार रणनीति आती थी, है ना? छापा मार रणनीति क्या होती थी कि इसमें मतलब कि पीछे से वार किया जाता था, रात के अंधेरे में छुपकर, है ना? तो वो छापा मार रणनीति कहलाती थी। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा युग्म असत्य है? टंटा भील, खरगोन, शेख रमजान, सागर, नारायण सिंह रायपुर और शंकर शाह नरसिंहपुर। तो यहाँ पे असत्य कथन जो है वो है शंकर शाह नरसिंहपुर से नहीं बल्कि गढ़मंडला से, इन्होंने 1857 की क्रांति में नेतृत्व किया था। ये सारे 1857 की क्रांति से संबंधित हैं, ठीक है? उसके अलावा नेक्स्ट है, 1837 ईस्वी में भोपाल के युद्ध में पेशवा बाजीराव व हैदराबाद के निजाम के मध्य कौन सी संधि हुई थी? तो ये हुई थी दौरा सराय की संधि हुई थी। भोपाल के युद्ध में पेशवा बाजीराव और हैदराबाद के निजाम के मध्य दौरा सराय की संधि हुई थी। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि पुरंदर की संधि जो थी ये शिवाजी व राजा जय सिंह प्रथम के मध्य हुई थी। बसाई की संधि बाजीराव और अंग्रेजों के बीच हुई थी। और जो संगोली की संधि थी वो ईस्ट इंडिया कंपनी व नेपाल के राजा के मध्य हुई थी, ठीक है? तो ये हो गया हमारा 43 का आंसर होगा डी, दौरासराय की संधि। नेक्स्ट है, तीजन बाई किसके लिए प्रसिद्ध है? तो सभी लोग जानते होंगे शायद इन्हें, ये पांडवानी के लिए प्रसिद्ध है ना? ये तीजन बाई जो हैं ये छत्तीसगढ़ की प्रसिद्ध लोक नृत्य
लोकगीत है जो वो है, हाँ तो लोकगीत से संबंधित है ना, पांडवानी से संबंधित है, और इसके लिए ने भारत सरकार द्वारा पद्मश्री भी दिया गया है। नेक्स्ट है, नौरता मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में अविवाहित लड़कियों द्वारा मनाया जाता है, है ना? तो नौरता नृत्य नहीं बल्कि एक प्रकार की चित्रकला है जो कि मालवा में बनाया जाता है, और ये नवरात्रि के अवसर पर बनाया जाता है, ठीक है, गेरू का प्रयोग करके, हल्दी गेरू का प्रयोग करके अविवाहित लड़कियों द्वारा बनाया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा गुप्तकालीन मंदिर मध्य प्रदेश में है? तिगवा का विष्णु मंदिर, और भूमरा का शिव मंदिर, नचना कुठार का पार्वती मंदिर, और डी सही सभी। तो ये सभी मंदिर मध्य प्रदेश में हैं और सभी गुप्तकालीन हैं। उसके अलावा नेक्स्ट है, धार में कालका देवी का मंदिर किसने बनवाया था? तो धार में जो कालका देवी का मंदिर है यह परमार शासकों ने बनवाया था, है ना, परमार शासक जो थे राजा भोज ने बनवाया था धार में कालका देवी का मंदिर। नेक्स्ट है, धार्मिक नगरी उज्जैन में निम्न दर्शनीय स्थलों में कौन कौन से शामिल हैं, है ना? महाकालेश्वर, जंतर मंतर, कालिया दे, जटाशंकर, संदीपनी आश्रम। तो इसमें से जटाशंकर जो है वो पचमढ़ी में है, है ना, बाकी सभी चीज़ें आपके उज्जैन में हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन यहाँ पे हमारा सी होगा, है ना, ऑप्शन सी होगा यहाँ पे, और यहाँ पे 4 नहीं है, ये यहाँ पे 5 है, तो 1, 2, 3, 5, है ना। तो जटाशंकर जो है ये पचमढ़ी में है, बाकी महाकालेश्वर मंदिर तो सभी जानते हैं, जंतर मंतर, कालिया देह और संदीपनी आश्रम, ये 5-4 चीज़ें हमारे उज्जैन में हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर भारत की 16 जनपदों में से कितनी मध्य प्रदेश के इतिहास से संबंधित हैं? तो ये तो लगभग सभी को पता होगा कि 2 हैं, है ना, एक थी अवंती और एक थी चेदी। अवंती की राजधानी, 2 राजधानियाँ थीं, एक उज्जैनी और महिष्मती, और जो चेदी था उसकी राजधानी थी शुक्तिमती, है ना, जो कि वर्तमान बुंदेलखंड का इलाका जो है वो था उस टाइम पे, है ना, ये गंगा नर्मदा के बीच का क्षेत्र जो था वो चेदी क्षेत्र था। उसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश की किस जनजाति में गोल गधेड़ो प्रथा पाई जाती है? नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश की किस जनजाति में गोल गधेड़ो प्रथा पाई जाती है? पारधी, पनियन, भील और गोंड। तो ये पाई जाती है भील में, है ना, भील में गोल गधेड़ो प्रथा पाई जाती है। ये होली के अवसर पर ये लोग 7 दिन तक जो भगोरिया पर्व मनाते हैं उसी के अंतर्गत गोल गधेड़ो प्रथा होती है इनकी। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश कोल जनजाति किस जिले में निवास करती है? तो ये मुख्य रूप से रीवा, सीधी और सतना में निवास करती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमेलित कीजिए, सूची 1 और सूची 2 दी हुई है। यहाँ पे घोटुल प्रथा, भगोरिया हाट, बेवार, कर्मा, और दूसरी तरफ दिया हुआ है भील जनजाति, बस्तर, और बैगा चक के बैगाओं द्वारा की जाने वाली खेती, और पूर्वी मध्य प्रदेश की जनजाति में प्रचलित नृत्य लोकगीत, है ना। तो यहाँ पे जो घोटुल प्रथा है वो बस्तर यानी कि जो छत्तीसगढ़ का क्षेत्र है में रहने वाली मुड़िया जनजाति है उससे संबंधित है घोटुल प्रथा, और भगोरिया हाट जो है ये भील जनजाति संबंधित है, है ना, और बेवार जो है ये बैगाओं द्वारा की जाने वाली खेती, जो स्थानांतरित खेती होती है उसे बेवार कहते हैं,
और जो कर्मा है ये पूर्वी मध्य प्रदेश की जनजाति में प्रसिद्ध नृत्य है ना कर्मा। तो यहाँ पे ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के किलों व दुर्गों के संबंध में सत्य कथन को छाटिए, है ना। तो धार का किला मोहम्मद तुगलक ने दक्षिण विजय पर बनवाया, असीरगढ़ किले का निर्माण आशा नामक अहिर राजा ने करवाया था, चंदेरी किला का निर्माण प्रतिहार शासक महेंद्र पार ने करवाया था और गिन्नौरगढ़ का किला राज बसंती द्वारा बनवाया गया था। तो यहाँ पे जो असत्य कथन है वो सी और डी है, क्योंकि चंदेरी किले का निर्माण महेंद्र पाल ने नहीं करवाया था बल्कि कीर्तिपाल ने करवाया था, है ना, कीर्तिपाल ने करवाया था। और जो गिन्नौरगढ़ का किला था इसका निर्माण करवाया था उदय वर्मन ने। तो यहाँ पे ऑप्शन सी और डी होगा, असत्य कथन होगा। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है। ओमकारेश्वर नर्मदा में स्थित है, ओमकारेश्वर 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है और यह तीर्थ नर्मदा व ताप्ती के संगम पर है और यह शिव को समर्पित है। तो यहाँ पे हमारा जो सही कथन मतलब असत्य कथन है वो है यह नर्मदा व ताप्ती नदी के संगम पर स्थित है। तो ये जो ओमकारेश्वर है यह क्या कहते हैं ताप्ती नदी नहीं बल्कि नर्मदा नदी के किनारे स्थित है, है ना। बाकी सारे कथन सत्य हैं। नेक्स्ट है, मुस्लिम हिंदू तथा अफगान शैली में निर्मित धार के किले का निर्माण किसने करवाया था। तो ये करवाया था मोहम्मद बिन तुगलक ने, धार के किले का निर्माण करवाया था मोहम्मद बिन तुगलक ने। और यहाँ पे क्या कहते हैं खरबूजा महल, कालका देवी का मंदिर आदि निर्मित हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत भवन के वास्तुकार कौन थे। तो भारत भवन के वास्तुकार थे चार्ल्स कोरिया, है ना। भारत भवन भोपाल में स्थित है, ये एक मल्टी आर्ट कॉम्प्लेक्स है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची एक को सूची दो से मिलाइए और सही कूट से उत्तर देना है। यहाँ पे एक तरफ मकबरे हैं और दूसरी तरफ से संबंधित जिले हैं। तो गन्ना बेगम का मकबरा, पीर बुधान का मकबरा, मनोहर दास की छतरी और बैजू बाबरा की समाधि। तो यहाँ पे जो गन्ना बेगम का मकबरा है वो है मुरैना में और पीर बुधान का मकबरा जो है वो शिवपुरी में है, मनोहर दास की छतरी जो है वो श्योपुर में है और बैजू बाबरा की समाधि अशोकनगर में है। बैजू बाबरा जो थे वो प्रसिद्ध संगीतकार थे और जो पीर बुधान का मकबरा है यहाँ पे मेला भी लगता है, है ना। तो हमारा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सम्राट अशोक ने विदिशा के श्रेष्ठी की पुत्री से विवाह किया था, उसका नाम क्या था। तो उसका नाम था श्रीदेवी, है ना। ये जो थी शक वंश की व्यवसायी की पुत्री थी श्रीदेवी, अन्य नाम था कुमार देवी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के प्रमुख शैल आश्रय व उनसे संबंधित स्थानों का सही मिलान करें। तो लिखी छात्र शैलाश्रय, दाता शैलाश्रय, लिखी दंता शैलाश्रय और चूरना गुंदी शैलाश्रय, और इससे संबंधित स्थान है छतरपुर, अशोकनगर, मुरैना और होशंगाबाद। तो यहाँ पर ऑप्शन सी सही होगा, लिखी छात्र शैलाश्रय जो है मुरैना में है, दाता शैलाश्रय छतरपुर में है, लिखी दंता शैलाश्रय होशंगाबाद में है और सॉरी होशंगाबाद नहीं अशोकनगर में है और चूरनागुंदी शैलाश्रय होशंगाबाद में है। सिक्सटी क्वेश्चन है, स्वतंत्रता संग्राम के प्रथम शहीद कुंवर चैन सिंह कहाँ के राजकुमार थे। तो ये थे नरसिंहगढ़ के थे, है ना। और ये प्रथम शहीद थे, इन्हें 24 जून 1824 में जो है वीरगति को प्राप्त हुए थे ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में नमक सत्याग्रह कब हुआ था।
तो ये हुआ था 1930, ये हुआ था 1930 को। नेक्स्ट है 62 क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के सभी आंदोलन सत्याग्रहों से संबंधित कथन को ध्यान दें। झंडा सत्याग्रह 8 मार्च 1923 को नगर पालिका भवन में हुआ, और जंगल सत्याग्रह 1930 घोड़ा डोंगरी में आदिवासियों द्वारा किया गया। चरण पादुका नरसंहार 13 अप्रैल 1919 को घटित हुआ। और चौथा है पंजाब मेल हत्याकांड जुलाई 1931 में हुआ था। इनमें से सही उत्तर का चयन करना है, तो सही उत्तर है 1, 2 और 4, यानी कि ऑप्शन बी। जो चरण पादुका नरसंहार 13 अप्रैल 1919 को घटित हुआ, ये ऑप्शन गलत है, क्योंकि 13 अप्रैल 1919 को नहीं घटित हुआ था, यह हुआ था 14 जनवरी 1931। तो यहाँ पे ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट है 63, ग्वालियर के अंतिम महाराज थे, तो माधवराव सिंधिया, देवी होलकर, पेशवा राव या जीवाजी राव। तो ग्वालियर के अंतिम महाराज कौन थे? जीवाजी राव। नेक्स्ट है चक्रधर फेलोशिप किसके लिए दी जाती है? तो चक्रधर फेलोशिप जो है यह शास्त्रीय संगीत के लिए दी जाती है, शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में यह दिया जाता है। 65 क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के संगीतकारों को उनके संबंध क्षेत्रों के साथ सुमेलित करना है। तो यहाँ पे एक तरफ संगीतकार है, दूसरी तरफ उनसे संबंधित क्षेत्र हैं। उस्ताद अलाउद्दीन खां, आमिर खां, मृदंगाचार और कुमार गंधर्व। तो जैसा कि सभी लोग जानते हैं, उस्ताद अलाउद्दीन खां जो हैं वो प्रसिद्ध सरोद वादक थे, है ना? और आमिर खां जो थे यह सितार वादक थे, मृदंगाचार्य मृदंग वादक थे, और कुमार गंधर्व ख्याल, ठुमरी ये सब गाते थे। तो हमारा ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में आयोजित खजुराहो महोत्सव निम्न क्षेत्रों में किससे संबंधित है? तो खजुराहो महोत्सव खजुराहो मंदिर में आयोजित किया जाता है, और यह शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है। इसमें देश विदेश के प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्यक भाग लेते हैं, ठीक है? और नेक्स्ट है, निम्न में से मालवा का लोक नृत्य है, तो मालवा का लोक नृत्य है इसमें से मटकी, मटकी लोक नृत्य जो है मालवा का है। इसमें महिलाएं मटकी लेकर सिर पे रख करके ढोलक की थाप पर नृत्य करती हैं। उसके बाद नेक्स्ट है सूची मिलाना है ना? एक तरफ यहाँ पे नृत्य हैं और दूसरी तरफ संबंधित क्षेत्र हैं। तो कर्मा नृत्य जो है यह पूर्वी मध्य प्रदेश का लोक नृत्य है। हरदौल की मनौती जो है यह बुंदेलखंड में मनाया जाता है। और लहंगी नृत्य जो है यह कंजर और बंजारों द्वारा किया जाता है। और काठी जो है यह नेवाड़ का नृत्य है, ठीक है? तो यहाँ पे ऑप्शन डी हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट है पीताम्बरा शक्तिपीठ किस जिले में स्थित है? तो ये है दतिया में, पीताम्बरा शक्तिपीठ दतिया में स्थित है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रहलाद सिंह टिपन्या कौन है? तो प्रहलाद सिंह टिपन्या जो हैं ये मालवी बोली के लोक गायक हैं, है ना? ये जो हैं अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त लोक गायक हैं, और ये कबीर के भजनों को गाते हैं, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस नेता का जन्म मध्य प्रदेश में नहीं हुआ? चंद्रशेखर आजाद, बी आर अम्बेडकर, शंकर दयाल शर्मा और मोहनदास गांधी। तो इसका आंसर तो सभी को पता होगा कि मोहनदास गांधी जी गुजरात में जन्मे थे। इसके अलावा चंद्रशेखर आजाद जो हैं अलीराजपुर, बी आर अम्बेडकर महू, और शंकर दयाल शर्मा जो हैं भोपाल में जन्मे हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस भारतीय राष्ट्रीय संस्थान का मध्य प्रदेश में कोई केंद्र नहीं है? IIT, IIM, IISER और ISI। तो यहाँ पे IIT, IIM और IISER तीनों है मध्य प्रदेश में, ISI नहीं है। ISI एक शोध संस्थान है जो कि कोलकाता में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सही कथन का चयन करना है। तो इसमें पहला है, कुमार गंधर्व उत्सव देवास में मनाया जाता है, लोक रंजन महोत्सव खजुराहो में मनाया जाता है, नर्मदा उत्सव जबलपुर में मनाया जाता है और टीपा समारोह इंदौर में मनाया जाता है। तो इसमें से सही कथन है 1, 2, 3, क्योंकि टीपा समारोह इंदौर में नहीं मनाया जाता, यह उज्जैन में मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भगोरिया पर्व भील जनजाति द्वारा कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है रबी फसल पकने पर। भगोरिया पर्व जो है भीलों का प्रमुख त्यौहार है, ये 7 दिनों तक चलता है ना। इसमें गुलालिया, गोल गधेड़ो और उजड़िया ये त्यौहार मनाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खजुराहो नृत्य समारोह का आयोजन किस वर्ष से प्रारंभ हुआ? तो ये 1976 से प्रारंभ हुआ है ना, ये प्रतिवर्ष खजुराहो में मनाया जाता है और ये प्रदेश का सबसे बड़ा नृत्य समारोह है और वर्ष 2021 में 47वां उत्सव मनाया गया है। नेक्स्ट है, मंदसौर में किस गुप्त शासक का प्रसिद्ध अभिलेख है? समुद्रगुप्त, रामगुप्त, कुमारगुप्त या चंद्रगुप्त? तो ये कुमारगुप्त से संबंधित अभिलेख है। ठीक है, उसके अलावा नेक्स्ट है चटकोरा नृत्य किस जनजाति द्वारा किया जाता है? तो चटकोरा नृत्य जो है ये कोरकू जनजाति द्वारा किया जाता है ना। इसके अलावा खम्भ सोंग भी इनका नृत्य है। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश आदिम जाति मंत्रणा परिषद का गठन कब किया गया? तो ये 8 सितंबर 2014 में किया गया था, है ना। संविधान के अनुच्छेद 244(1) के अंतर्गत जनजातीय क्षेत्रों में प्रशासन व नियंत्रण तथा हितों के संरक्षण की स्थापना हेतु इस परिषद का गठन किया गया। नेक्स्ट है, दूध लौटावा प्रथा किस जनजाति में प्रचलित है? तो ये गोंड जनजाति में प्रचलित है ना। इसमें क्या कहते हैं, बुआ फूफा मामा के लड़कों को, लड़कियों की आपस में विवाह हो जाता है, यहाँ पे इसको दूध लौटावा प्रथा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश की प्रमुख संस्थाएं व स्थापना को सुमेलित कीजिए, है ना। तो यहाँ पे मध्य प्रदेश साहित्य परिषद की स्थापना 1954 में हुई थी, मध्य प्रदेश हिंदी ग्रंथ अकेडमी की स्थापना 1969 में हुई थी, कालिदास अकेडमी 1974 और मध्य प्रदेश उर्दू अकेडमी 1976। तो ऑप्शन डी हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिलीप सिंह भूरिया के विषय में सत्य कथन का चयन करना है। तो इनका जन्म मध्य प्रदेश झाबुआ में हुआ था, सही है ना। और इंदिरा गांधी द्वारा इन्हें सचेतक बनाया गया था, ये भी सही है। अखिल भारतीय सहकारी संघ के अध्यक्ष थे, ये भी सही है। और लोकसभा के अध्यक्ष बने थे, ये गलत है। ये लोकसभा के अध्यक्ष नहीं बने थे बल्कि 6 बार सांसद रह चुके थे, है ना। तेंदुपत्ता नीति में भी इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। तो इसका ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जमुना देवी के विषय में असत्य कथन का चयन करना है। यहाँ पे हमें असत्य कथन का चयन करना है। तो जन्म इनका धार जिले में हुआ था, सही है। इन्हें बुआ जी के नाम से जाना जाता था, ये भी सही है। 1992 में विधानसभा सदस्य रही हैं, ये गलत है। और 1998 में
नेक्स्ट क्वेश्चन है, जमुना देवी के विषय में असत्य कथन का चयन करना है। तो पहला है, जन्म इनका धार जिले में हुआ था जो कि बिल्कुल सत्य है। बुआ जी उपनाम से प्रसिद्ध थी, यह भी सत्य है। और 1992 में विधानसभा सदस्य रही हैं, यह गलत है। और 1998 में पहली महिला उप मुख्यमंत्री और 2003 में पहली महिला नेहा नेता प्रतिपक्ष बनी। तो यहाँ पे हमारा आंसर ये सही है, और इसका मतलब है यहाँ पे असत्य कथन चुनना है तो केवल 3 असत्य हैं, क्योंकि ये विधानसभा सदस्य जो हैं 1952 से 1957 के बीच रही हैं, ना कि 1992 में। नेक्स्ट है, अंबापानी का युद्ध निम्न में से किससे संबंधित है? तो अंबापानी का युद्ध जो है वो भीमा नायक से संबंधित है। भीमा नायक जो थे, इन्हें निमाड़ के रॉबिन हुड के नाम से जाना जाता था, है ना। और 1857 की क्रांति में इन्होंने पूर्ण सहयोग दिया था। और अंबापानी युद्ध में भीमा ने जो है अपनी तीर कमान टुकड़ी से अंग्रेजों को परास्त किया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कृषि एवं पशुपालन के अंबापानी का युद्ध निम्न में से किससे संबंधित है? तो अंबापानी का युद्ध भीमा नायक से संबंधित है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कृषि के एवं पशुपालन के प्रथम साक्ष्य मध्य प्रदेश के किस स्थान से प्राप्त हुए हैं? तो ये आदमगढ़ से प्राप्त हुए हैं, आदमगढ़ होशंगाबाद में स्थित है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पुरस्थल मंदसौर में स्थित है, है ना। तो तो यहाँ पे हिंगलाजगढ़, भावरा नहीं, यहाँ पे आवरा है, नवदा टोली और इंद्रगढ़। तो मंदसौर में हिंगलाजगढ़, आवरा और इंद्रगढ़ तीनों स्थित हैं। तो यहाँ पे 1, 2 और 4 ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न कवियों और उनके उपनामों में से असत्य युग्म का चयन करना है। कालिदास, भावभूति, भृतहरि और बाणभट्ट। तो यहाँ पे ऑप्शन सी जो है असत्य है। भरतहरि को कठिन काव्य का प्रेत नहीं कहा जाता, बल्कि केशवदास को कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असत्य कथन चुनना है यहाँ पे भी। तो यहाँ पे असत्य कथन होगा, संत सिंगा जी सूरदास के समकालीन थे, यह असत्य होगा। बाकी सभी सत्य हैं, क्योंकि संत सिंगा जी सूरदास के नहीं बल्कि कबीरदास जी के समकालीन थे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, उज्जैन में अगला सिंहस्थ कब आयोजित होगा? तो सिंहस्थ जैसे कि सभी जानते हैं कि हर 12 वर्ष में आयोजित होता है, है ना। 2016 में आयोजित हुआ था, अब 12 वर्ष बाद आयोजित होगा, यानी कि 2028 में होगा। भारत में यह 4 जगह लगता है, अलाहाबाद, हरिद्वार, मध्य प्रदेश के उज्जैन में और नासिक में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित के बीच क्या समानता है, है ना। बधाई, सायरा, जावरा और खालसा, सभी मध्य प्रदेश में उगाई जाने वाली फसलें हैं, या फिर सभी नृत्य हैं जो मध्य प्रदेश में मनाए जाते हैं, या सभी लोक नाट्य हैं, या फिर मध्य प्रदेश में मनाए जाने वाले त्यौहार हैं। तो ऑप्शन बी होगा यहाँ पर, ये सभी नृत्य हैं जो मध्य प्रदेश में मनाए जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कान्हरगढ़ दुर्ग किस जिले में स्थित है? तो ये दतिया में स्थित है, ठीक है। और ये सिंधु नदी के तट पर बना है, जिसे पृथ्वी सिंह रसनिधि ने बनवाया था, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में दक्षिण भारतीय पद्धति का मंदिर कौन सा है? खजुराहो, तेली का मंदिर, भैरव मंदिर या नचना कुठार का मंदिर? तो दक्षिण भारतीय पद्धति यानी कि क्या कहते हैं, जैसे साउथ में बने होते हैं मंदिर, वैसे मंदिर जो है तेली का मंदिर है। ठीक है, ये द्रविड़ शैली में बने होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रमुख जैन तीर्थ स्थलों का मिलान करें। नेक्स्ट है, प्रमुख जैन तीर्थ स्थलों का मिलान कीजिए। मुक्तागिरी, गोमटगिरी, कुंडलगिरी और सोनागिरी। तो मुक्तागिरी बैतूल में है, गोमटगिरी इंदौर में है, कुंडलगिरी दमोह में है और सोनागिरी दतिया में है। तो ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित सही कथनों को चुनते हुए सही उत्तर का चयन करें। डॉक्टर विष्णुधर वाकड़कर ने भीमबेटका की खोज की, सही है। बृहदहरि गुफाएं उज्जैन में हैं, सही है। उदयगिरी गुफाएं रायसेन में स्थित हैं, तो ये गलत है, है ना, क्योंकि उदयगिरी की गुफाएं विदिशा में स्थित हैं। और नेक्स्ट है, बाघ की गुफा की खोज डेंजर फील्ड ने 1819 में की थी, तो ये भी गलत है, क्योंकि 1819 में नहीं 1818 में की थी। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन एक और दो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रमुख संग्रहालयों के संबंध में सही विकल्प का चयन करना है। तो यहाँ पे केंद्रीय पुरातात्विक संग्रहालय इंदौर में स्थित है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय भोपाल में स्थित है, राज्य संग्रहालय ग्वालियर में स्थित है या तुलसी संग्रहालय चित्रकूट सतना में स्थित है। तो यहाँ पे सही विकल्प है 1, 2, 3, क्योंकि तुलसी संग्रहालय जो है ये चित्रकूट में नहीं बल्कि रामवन में स्थित है। ठीक है, रामवन में स्थित है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रमुख किलों व दुर्ग और उनके संस्थापकों का सही मिलान करना है। ठीक है, तो यहाँ पे अजयगढ़ दुर्ग जो है अजयपाल दुर्ग जो है ये बनवाया था अजयपाल ने, असीरगढ़ का किला जो है असीरगढ़ किला जो है ये बनवाया था राजा अहिर ने, और बांधवगढ़ का दुर्ग जो है ये बनवाया था व्याघ्रदेव ने, और मकड़ाई किला मकरंद शाह ने बनवाया था। तो यहाँ पे ऑप्शन बी सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिलहरा की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? तो सिलहरा की गुफाएं अनूपपुर में स्थित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनेस्को की विरासत सूची में शामिल स्थलों का असत्य कथन छाटना है यहाँ पे। तो खजुराहो 1986, सांची 1988 और भीमबेटका 2003, या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे जो है ऑप्शन बी गलत है, क्योंकि सांची 1889 में शामिल किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक टोकरी भर मिट्टी प्रसिद्ध कहानी के रचनाकार कौन हैं? तो इसके प्रसिद्ध रचनाकार हैं माधवराव सप्रे। ठीक है, और जो एक टोकरी भर मिट्टी कहानी है इसे मध्य प्रदेश की प्रथम कहानी भी माना जाता है। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश की किस जनजाति की पंचायत को गोहिया कहा जाता है? तो ये है कोल। ठीक है, यह मध्य प्रदेश की तीसरी सबसे बड़ी क्या कहते हैं जनजाति है। और उसके अलावा नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी अनुसूचित जाति कौन सी है? तो ये है ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। तो यूनिट फर्स्ट का डिस्कशन कंप्लीट हो गया है, और नेक्स्ट वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, समीक्षा इंस्टीट्यूट से जुड़िए। थैंक यू।